सब कुछ यहाँ पे ठीक से सजा के रख। मामी जी खुश रहो मेरी बच्चियों, रब तुम्हारे दामन में सारी खुशियां डाल दे। आंटी जी आपने हमें बुलाया? हाँ पुत्र, आज सावन की तीज है, निमृत को इस बारे में सब कुछ पता है। मैं चाहती थी मेरी अमृत पुत्र को भी इस बारे में सब कुछ पता चले। निमृत तू ही बता ना अमृत को। जी मम्मी जी। अमृत जी, मम्मी जी का मायका राजस्थान में, वहाँ ये तीज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन सारी सुहागने अपने पति के लिए ये व्रत करती हैं। माना जाता है कि माँ पार्वती ने शिव जी के लिए ये व्रत किया था और उनकी लंबी आयु की कामना की थी। आज के दिन मम्मी जी पास पड़ोस की सभी औरतों को बुलाती हैं और हम सब मिलकर कथा करते हैं। इसीलिए मैंने सारी पड़ोस की औरतों को बुला लिया है और सब तैयारियां भी करवा दी हैं। अच्छा पुत्र, अब तुम दोनों भी आओ। पता है सुहागनों के लिए ये व्रत कितना मायने रखता है? सोनी लग रही मेरी बहू है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। आंटी जी, हम शिव पार्वती की पूजा तो जरूर करेंगे अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए, लेकिन हम एक और देवी की पूजा करना चाहते हैं, है ना निमृत? अगर मम्मी जी को कोई एतराज ना हो तो। हेलो, ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर करो। आई पुत्र तुम दोनों। आंटी जी, कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। हमने अपने माँ के चरण तो धोए थे, लेकिन अफसोस कभी उनकी पूजा नहीं की थी। लेकिन आप तो हमारी माँ ही हो, इतना प्यार दिया आपने हमें, हमारे बुरे अतीत के बावजूद भी आपने हमें अपना लिया। आप तो हमारे लिए देवी ही हो। हाँ मम्मी जी, अमृति बिल्कुल सही कह रही हैं। आप तो जानती हैं, गणेश जी ने माता पार्वती की परिक्रमा की थी और तीनों लोग घूमने का श्रेय प्राप्त किया था। मम्मी जी, आपकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी आपने हम सबको बांधे रखा। आप नहीं होती तो हम बिखर के रह जाते मम्मी जी। क्या हो रहा है ये? सारा पुण्य आप अकेले ही कमाना चाहते हो? ये सही बात नहीं, हम भी तो माँ से प्यार करते हैं, हम भी तो इनकी पूजा करना चाहते हैं। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पुतो फलो। काश हम भी बच्चे की मां बन सकते, काश हमारा भी एक अपना बच्चा होता। अमृत, अगर जो जो ये सब बातें सुनेगी ना तो बहुत नाराज हो जाएगी, बहुत गुस्सा करेगी वो। लेकिन तेज, जोजो को भी तो एक भाई चाहिए ना, वो भी तो एक बड़ी बहन बनना चाहती है ना, और हमें भी अपना बच्चा चाहिए। इनफैक्ट
हमें तो एक पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। और किस्मत तो देखो, हम तो एक बच्चा भी नहीं रह सकते। मेरी प्यारी प्रिंसेस, 6 महीने हो गए हमारी शादी को, और इन 6 महीनों में क्या तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी हुई, कभी दुखी हुई हूं? तो बस आगे आने वाली जिंदगी भी ऐसे ही हंसते खेलते कट जाएगी। फिर भी अगर हमारी प्रिंसेस को और बच्चे चाहिए तो हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं। थैंक यू तेज, हाँ हमें और बच्चे चाहिए। तो ठीक है, कल हम अनाथ आश्रम जाएंगे और वहां जाके बच्चों से मिलेंगे, ओके? लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। क्या? मेरी प्यारी प्रिंसेस को प्यारी वाली मुस्कान चाहिए। सुनिए जी, देखिए तो और बताइए दोनों कैसे हैं? दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। पर आज तूने जेवर क्यों निकाले हैं? आज तीज है ना, सोच रही अपनी दोनों बहुओं को दे दूं। ठीक है ना जी? और तू कभी गलत सोच सकती है? तो दे दे, जो मर्जी दे दे, वैसे भी आज नहीं तो कल सब उन्हीं का ही तो होना है ना। देख देख जा रहा हूं, कोई कह सकता है कि ये हमारे अपने नहीं? मैं जितना प्यार इन्होंने हमें दिया है ना, कोई सगे वाला भी नहीं दे सकता। नहीं तो किसी किसी घर में तो अपनी सगी औलाद भी इतना नहीं पूछती अपने माँ बाप को। सच कह रहे हैं जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इन चारों से हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। हाँ देखना, तभी तो इस घर में आज सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। रब की बड़ी मेहर है जी, बस आगे भी अब सब अच्छा ही अच्छा। निमृत, आज शाम को जो फंक्शन है उसमें हम निमृत क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ निमृत, तुम ठीक तो हो? बस थोड़ा सा चक्कर आ गया अमृति, बहुत वीकनेस फील हो रही है। हाँ निमृत, तुम्हारा चेहरा भी पीला पड़ गया है, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ अमृति, इट्स ओके। नहीं निमृत, जब तक डॉक्टर नहीं कहते हम नहीं मानेंगे। अमृति अभी अभी तो इस घर में खुशी आई है, आपने देखा ना आज मम्मी जी कितने खुश हैं, कितने सारे प्लान्स बनाए हैं उन्होंने। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह की कोई टेंशन ना होने या घर में किसी भी तरह उदासी का माहौल बने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तुम्हारा ऐसा हाल है तो मैं ऐसे कैसे? मैंने जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा अमृति, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। प्लीज डॉक्टर को मत बुलाइए। ठीक है, हम डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, लेकिन हम खुद तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना। तो हम अभी निकलते हैं, पूजा तक लौट आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओके? क्या? तो अब तक तुम क्या कर रहे थे? देखो तुमसे नहीं होता तो साफ साफ बोल दो, मैं कहीं और देख लेता हूं। हाँ लेकिन मैं तुम्हें भी फोन करता हूँ। क्या बात है अंकल, किस पे इतना गुस्सा उतार रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तेज, कुछ खास। अरे मुझे बताओ अगर कोई परेशानी है। वैसे भी आजकल कैप्टन तेज के सामने कोई भी परेशानी कोई भी प्रॉब्लम टिकती नहीं, तुम बता तो सही। तेज ऐसा कुछ खास था? तुम्हें कोई काम था? एनीवेज मैं तो तुम्हें नीचे बुलाने के लिए आया था, सब लोग तुम्हारा वेट कर। आ जाओ थोड़ी देर में, हम तो चले, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम। ओके ऐसा तो आमतौर पर होता नहीं, बड़ी अजीब बात है। डॉक्टर सब कुछ ठीक तो है ना? ये तो मैं तभी बता पाऊंगा जब सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे। टेस्ट तो मैंने सारे करवा लिए, बस आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। निमृत हमें बहुत फिक्र हो रही है, जस्ट होप कि सब ठीक हो। हे भगवान, हमारे परिवार ने बहुत कुछ झेला है,
प्लीज प्लीज हमारी बहन को कुछ ना। मैडम यहाँ फ्री हेल्थ चेकअप है, बहुत नामी डॉक्टर्स आए हैं, आइए आप लोग भी करा लीजिए। लेकिन डॉक्टर ऑलरेडी निमृत का चेकअप कर चुके हैं। तो फिर आप आ जाइए ना, देखिए जब आप जैसी पढ़ी लिखी औरतें आगे बढ़ती हैं तो बाकी लेडीज को भी हिम्मत मिलती है, वो भी चेकअप करा लेती हैं। आ जाइए ना, आधे घंटा ही लगेगा। ये सही कह रही है अमृति, आप जाइए और चेकअप करा लीजिए। लेकिन निमृत हम क्यों जाकर चेक कराएं, हमें तो कोई बीमारी नहीं है। अमृति साल 6 महीने में पूरा रूटीन चेकअप होना चाहिए, जनरल चेकअप में कोई बुराई नहीं, मन की तसल्ली हो जाती है कि कुछ नहीं है। ठीक है निमृत, अब तुम इतना ही कह रही हो तो हम चले जाते हैं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना ओके okay?